तो जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग देखना है, अभी तक हम लोग क्या देख के आ चुके हैं उसको पहले एक बार डिस्कस कर लें। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख लिया हमने। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजन और उनके फैक्टर्स, वो हमने देख लिया है। अब हम लोगों के पास में थर्ड पॉइंट जो है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इजीली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में या बुक में इस बात को लिख लीजिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लीज राइट इट डाउन, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फुल स्टॉप कीजिएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उसके बाद लिखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म। ब्रॉडर टर्म, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। लिख रहे हैं सर, वो विजिबल नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ नैरोअर टर्म। आगे और लिखिएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, आइए अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग कहाँ तक है और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये पार्ट क्यों कहा जाता है, ऐसे बात हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग को इसने डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है, तो बोलता है इट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। ठीक है, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट के बारे में लिखिए, ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट को डिफाइन कीजिए, ब्लूप्रिंट क्या होता है लिखिए। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है डिटेल्ड लेआउट, डिटेल्ड लेआउट। ठीक है, या इसको अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिटेल्ड रिटन प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि हमने किसी काम को करने के लिए डिटेल में सारी बातें लिखी हैं कि उसमें क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हम क्या क्या प्लान करना पड़ेगा, हमें क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, कौन व्यक्ति उस काम को कंप्लीट करेगा। तो ये सारा कुछ जब हम किसी काम को करने से पहले डिटेल उसकी सारी बातों को लिखते हैं और एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने पास में ताकि हमारा फ्यूचर में वर्क उसी हिसाब से हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, और अब ये बात करता है किस चीज की, तो बात करता है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, मतलब हमें जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करनी है उन फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए जो हम एक डिटेल तैयार करते हैं उसी को हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। आगे बात कि अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा क्यों है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट क्यों बोला जाएगा इसको, तो फाइनेंशियल प्लानिंग को बेटा हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट इसलिए बोलेंगे बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उस डिसीजन के आधार पे जो हम लोगों को काम करना है, जो वर्क करना है, उस वर्क को कैसे किया जाएगा, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस काम को करने के लिए जो प्लान तैयार करते हैं, जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो आगे एक बात इसमें और लिखनी जरूरी है कि अब जो डिफरेंस होता है उसको कैसे हम लोग मार्क करें, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे
कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, प्लीज लिखिएगा इसको, फाइनेंशियल डिसीजंस आर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो डिसीजंस लिया जाता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन, ये डिसीजन लेना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। एंड द सेटअप टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क, द सेटअप टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क एंड इट्स प्लान फॉर एंड इट्स प्लान फॉर एग्जीक्यूशन एंड इट्स प्लान फॉर एग्जीक्यूशन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजंस, टू टेक द डिसीजंस आर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हेन द डिसीजंस आर टेकन एंड व्हेन द डिसीजंस आर टेकन देन हाउ टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर वर्क इज अ पार्ट ऑफ द प्लान एंड दैट एग्जीक्यूशन इज डन अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग। वो एग्जीक्यूशन कहाँ होगा? फाइनेंशियल प्लानिंग में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हमें एक एसेट्स खरीदना है, ठीक है, तो एक फिक्स एसेट्स खरीदने में अपने को क्या कॉस्ट लगेगा, वो पैसा हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, वो सोर्स ऑफ फंड कहाँ से होगा, वो एसेट कहाँ से परचेज किया जाएगा, ये सारा डिसीजन लेना, ठीक है, ये डिसीजन लेना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। और जब ये डिसीजन हो जाएगा, उसके बाद जो हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि एसेट ऐसा होगा, इसकी ये कॉस्ट होगी, ये एसेट यहाँ से प्रोक्योर किया जाएगा, एसेट को प्रोक्योर करने में हमें 50 लाख रुपया लगेगा, ये 50 लाख रुपया हमें, ठीक है, ये 50 लाख रुपया हमें कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ठीक है, इन चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों के लिए हम लोग जो काम करेंगे और किस तरीके से आगे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, इसको देखने का जो काम होगा, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर होगा, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर होगा। ठीक है, तो यहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए और अपने फ्यूचर ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने के लिए किया जाना जरूरी है। मान लिया आपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले लिए और फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी, तो वो डिसीजंस प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। फ्यूचर में आपको वो चीज क्लियरली पता नहीं चलेगी कि कैसे उस चीज को करना है या कैसे उस चीज को हम लोगों को लेकर के आगे बढ़ना है। तो हमारे पास एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होने के लिए हमारे पास में एक डिटेल्ड लेआउट होनी चाहिए और वो लेआउट ही हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताती है। वो जो लेआउट है वही हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो अगर नॉर्मल शब्दों में हम बात बोलें, तो नॉर्मल शब्दों में फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो दो चीजों की होती है। पहला क्या कि हमारे पास में जो भी कमिटमेंट्स हैं, जो भी ऑब्लिगेशन है, उन ऑब्लिगेशंस का हमें पता होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास में नेसेसरी फंड की रिक्वायरमेंट है, वो फंड हमारे पास में होना चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का, फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव है कि बस हमारे पास में जो कमिटमेंट ऑफ फंड्स हैं, वो कमिटमेंट ऑफ फंड्स हमें हमें पता हो कि हमें पैसा कब, किसको, कहाँ, कैसे पेमेंट करना है, किस चीज के लिए पेमेंट करना है, और जो पैसा हमें पेमेंट करना है और जो पैसा हमें पेमेंट करना है वो पैसा हमारे पास में अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो हमारे पास में कितना अवेलेबल है, कहीं हमारे पास में कम अवेलेबल तो नहीं है, ये सारी बातें हम लोगों को देखनी होती हैं अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग। और एक चीज ये भी ध्यान देना है कि एडिक्वेट फंड हमारे पास में अवेलेबल हो, ना हमारे पास में ज्यादा फंड अवेलेबल हो, ना हमारे पास में कम फंड अवेलेबल हो। अगर हमारे पास में कम फंड अवेलेबल होगा तो हम अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पाएंगे, और अगर हमारे पास में ज्यादा फंड अवेलेबल होगा तो उस केस में दिक्कत ये आ जाएगी कि हमें जो फंड एक्स्ट्रा अवेलेबल होगा उसका कॉस्ट बेवजह हमें पे करना पड़ेगा।
तो अ फाइनेंशियल मैनेजर शुड ऑलवेज वर्क फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड दैट फाइनेंशियल मैनेजर शुड ऑलवेज हैव एग्जीक्यूटेड प्लान ऑफ एक्शन टू कंप्लीट एंड टू गो ऑन विथ द फाइनेंशियल डिसीजंस दैट हैज बीन टेकन प्रायरली। जो पहले फाइनेंशियल डिसीजन लिया गया है उसको एग्जीक्यूट करने का उसके पास में फंड होना चाहिए और उसके पास में वो सारे रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे कि वो फाइनेंशियल डिसीजन प्रॉपरली टेक ओवर हो सके। हमारे पास में एडिक्वेट फंड अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हम अपने कमिटमेंट्स कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे और इससे हमें क्या दिक्कत होगी, हमारा प्लान सही से कैरी आउट नहीं होगा। और अगर एक्सेस फंड हो जाएगा तो अननेसेसरली हमारे पास में ज़्यादा पैसा होगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी और वो हमारे कॉस्ट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इस पैराग्राफ में ये पॉइंट्स आप अंडरलाइन करें और जो मैंने लिखवाया है इस चीज़ को लिखें, देन हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो एक ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ा टर्म है और उसको कैरी ऑन करने के लिए हमें स्मॉल स्मॉल एग्जीक्यूशन के पॉइंट्स पे प्लान करना पड़ता है और यही प्लान जो हमारा है, ये प्लान हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है। व्हेन वी आर जस्ट सेग्रीगेटिंग द डिफरेंट डिसीजंस एंड वी आर प्लानिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी डिसीजन एंड उसमें भी द बेसिक थिंग इज दैट द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट द फंड्स आर अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन, नाइदर द मोर फंड्स आर अवेलेबल नॉट लेस फंड्स आर अवेलेबल, ऑलवेज द एडिक्वेसी ऑफ फंड इज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है, पैसा हो उतना पैसा हो जितना हमारे पास में होना चाहिए, जितना जरूरत है, ना कम ना ज्यादा, इसके लिए जो हम लोग प्लान करते हैं दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। बोरोड फंड आई तो अब सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिया है, आप इसको प्लीज देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बोलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल अल्टरनेटिव बाई फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट। बोलता है जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो ना तो आप ब्रॉडर डिसीजंस ले रहे हो, आपके पास में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, आप उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से सर्च कर रहे हो कि विच ऑप्शन इज द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल और इसके लिए आप क्या देख रहे हो, आपके पास में जो ऑब्जेक्टिविटी है वो ऑब्जेक्टिविटी है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। कहने का मतलब वेन एवर अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय अ फाइनेंशियल मैनेजर द ऑब्जेक्टिविटी इज दैट अ कॉमन पॉइंट एंड दैट कॉमन पॉइंट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ऑल द पॉइंट्स ऑल द एवेन्यूज एंड ऑल द प्रोजेक्ट्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इन द फॉर्म ऑफ द इंक्रीज इन द शेयर होल्डर्स वेल्थ। मीन्स दैट कि हर जगह आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर के वेल्थ को इंक्रीज करना, ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया। लेकिन जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो बोल रहा है कि प्लानिंग बहुत छोटी सी बात है। बोलता है फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन द अदर हैंड इज जस्ट वनली स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल कंक्लूजन। ठीक है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो प्रॉपर ढंग से चले, प्रॉपर तरीके से चले, यही आपको कहाँ देखना है, यही आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में देखना है। फाइनेंशियल प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट कर जाता है कि एक फाइनेंशियल एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, और ऐसे ही बहुत सारी जब फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से होंगी देन हमने जो अल्टरनेटिव चूज आउट किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वो अल्टरनेटिव हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें बोला गया कि भाई जो फंड रिक्वायरमेंट है वो आप अवेलेबल करा लीजिए, आपके पास में उतना पैसा हो जाए और फिर जो डिसीजन आपने लिया है वो डिसीजन आपका प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे इसने एग्जांपल दिया कि भाई हमने कोई एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, तो अब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन ये हो गया कि हमें ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया हमने, हमें एक फिक्स एसेट्स प्रोक्योर करना है। अब यहाँ पे जो रोल प्ले होगा वो रोल प्ले करेगा फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग उस कैपिटल बजटिंग डिसीजन को डिफरेंट स्मॉल फाइनेंशियल एवेन्यूज में, या यू कैन से डिफरेंट स्मॉल फाइनेंशियल एक्टिविटीज में तोड़ेगा और हमें हर वो एक्टिविटी को प्रॉपरली कंप्लीट करना, इंश्योर कराना है कि हम कंप्लीटली उसको कर पाएं। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस क्या करेगा, ट्राई करेगा, फॉरकास्ट करेगा कि भाई हमारे पास में फंड कहाँ कहाँ
से आ सकते हैं, फंड प्रॉपरली कैसे अरेंज किए जाएं, हमारे पास में कौन कौन से आइटम है जिसमें चेंज होगा, हमारे पास में फंड्स अगर आएगा तो वो प्लान बनाएगा, कि बजटेड कॉस्ट क्या होगा, बजटेड रेवेन्यू क्या होगा इस पार्टिकुलर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को लेने पे, बजटेड हमें एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब हम स्मॉल स्मॉल पार्टिकुलरली इन चीजों पे बात करते हैं, तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन को हम लोग छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकुलर कंसेप्ट में तोड़ते हैं, और इन सारे कंसेप्ट को जब हम लोग वर्क अपॉन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे। फाइनेंशियल प्लानिंग ये देखेगा, ये फोर्सी करेगा कि इस कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जितने फंड्स चाहिए वो फंड्स अवेलेबल है कि नहीं, किस टाइम में वो फंड्स चाहिए उस टाइम में वो फंड अवेलेबल है कि नहीं, और अगर कोई शॉर्टेज पड़ती है तो पहले से ही प्री प्लान करके रखेगा कि अगर इन केस हमारे पास में कोई शॉर्टेज है तो कैसे उसको हम लोग वॉच ओवर कर सकते हैं और कैसे उसको हम लोग हटा सकते हैं, उन शॉर्टेजेस को दूर कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जब हम लोग कोई बड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो उसके स्मॉलर एस्पेक्ट्स, उसके रेवेन्यू एस्पेक्ट्स, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, उसके टाइम एस्पेक्ट्स को हम लोग कंट्रोल करके चले ताकि वो डिसीजन हमारा फ्रूटफुल हो, और इसमें जो हमारा हेल्प करता है उस पार्टिकुलर टर्म को हम लोग बोलते हैं कि वी आर डूइंग द फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, इसका टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव होता है, हम लोग ये दोनों ऑब्जेक्टिव को देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप इसको इंपॉर्टेंट भी अंडरलाइन कीजिएगा, और बोलता है क्या ऑब्जेक्टिव है, तो टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने की कोशिश करता है। पहला बोलता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि हमारे पास जो भी काम है उस काम के लिए हमारे पास में फंड जितना चाहिए और जब चाहिए, ठीक है, मतलब अवेबिलिटी ऑफ फंड, जितना पैसा चाहिए वो पैसा हमारे पास अवेलेबल हो, और प्लस जिस समय पैसा चाहिए उस समय पैसा अवेलेबल हो पाए, इसके लिए हम पहले से क्या करके रखें, पहले से प्लान बना के रखें। मीन्स द टू थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट क्वांटम एंड दूसरा टाइम। फर्स्ट क्वांटम ऑफ मनी, जितना फंड हमें चाहिए ये भी जरूरी है, एंड दूसरा एट दैट टाइम, जिस समय चाहिए वो भी हमें जरूरी है। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं हमारे लिए कि हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव ये अचीव होना चाहिए कि एट व्हाट अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मनी और फंड्स इज रिक्वायर्ड, दैट शुड बी अवेलेबल, एंड एट व्हाट टाइम दैट फंड शुड बी रिक्वायर्ड, दैट टाइम शुड बी एप्ट, ना तो उससे पहले आए और ना उसके बाद में आए। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि फंड की अवेबिलिटी होनी चाहिए और अपने को टाइम का पता होना चाहिए, क्वांटम एंड टाइम। ठीक है, तो ये दो बात बोलता है, पहला बोलता है प्रॉपर एस्टीमेशन हमारे पास में होना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट बोलता है कि अब सिर्फ पैसा की जरूरी नहीं है कि पैसा हमारे पास में आ जाए, ये भी जरूरी है कि हम लोग टाइम प्रॉपर एस्टीमेट कर पाए एट विच दीज फंड्स आर टू बी मेड अवेलेबल, कब इन पैसों को हमें अवेलेबल कराना है। जब ये प्लान हम लोगों का प्रॉपर होगा तभी हमारे पास में पैसा भी अवेलेबल होगा और टाइम से भी अवेलेबल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। और दूसरा हो गया कि भाई हमारे पास में फंड जो है वो अननेसेसरली ज्यादा फंड रेज ना हो किसी भी हाल में। ठीक है, हमारे पास में फंड उतना ही अवेलेबल होना चाहिए जितनी फंड की जरूरत है। क्या बोला हमने, फंड उतना ही अवेलेबल होना चाहिए जितनी फंड की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा फंड अवेलेबल हो जाएगा तो फिर हमारे हमारे हमें क्या होगा कि एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक चीज लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैचिंग द रिक्वायरमेंट विथ अवेबिलिटी। आप लिख लीजिए इसको, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं मैचिंग द रिक्वायरमेंट विथ अवेलेबिलिटी। मतलब जब भी हमें जितना फंड का रिक्वायरमेंट है उतना फंड अवेलेबल हो,
फाइनेंशियल प्लानिंग का यही ऑब्जेक्टिव है कि फंड्स बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हों और अननेसेसरी फंड हमारे पास में ना रहे, जिससे कि हमारा कॉस्ट बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत छोटा सा स्कोप है, बहुत मिनिएचर सा स्कोप है, बस दो बातें कहता है कि भैया प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जब जिस प्रोजेक्ट में जहाँ भी पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा अवेलेबल हो, उस टाइम पे अवेलेबल हो, ना उससे ज़्यादा अवेलेबल हो ना उससे कम अवेलेबल हो। दिस इज़ द ट्विन बेनिफिट। यही आपका क्या है, ट्विन बेनिफिट, दो तरफा बेनिफिट है। और इसके लिए हमारे पास में क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो आइए हम लोग एक एक करके टूल्स देखते हैं। और आप टूल्स के बारे में लिखिए कि हमारे पास में कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं जो कि हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं। तो पहला टूल लिखिए, प्रोजेक्शन। पहला टूल हो गया आपके पास में प्रोजेक्शन एंड एस्टिमेशन। समझेंगे हम लोग क्या होता है प्रोजेक्शन एंड एस्टीमेशन। दूसरा टूल लिखिएगा बजटिंग। बजटिंग। तीसरा टूल लिखिएगा फोरकास्टिंग। ये सारे टूल हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, फोरकास्टिंग। और चौथा टूल लिखिएगा ट्रेंड एंड वॉल्यूम एनालिसिस। ट्रेंड एंड वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है, ट्रेंड एंड वॉल्यूम एनालिसिस। पहले आप ये चारों टूल लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में जो हम लोग इन टूल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बातें हैं, वो सारी करके चलेंगे। ठीक है, ये चार टूल्स हो गए, इन चारों टूल के बारे में आप एक बार ही लिख लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं ये चारों टूल क्या है। ठीक है, चलिए ये चारों टूल क्या कहते हैं। तो आपके पास में जब भी हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए जो हमें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, कि बिजनेस को का परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस का ग्रोथ कंसिडरेशन क्या है, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस किस हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या क्या चीज़ें कंसिडरेशन में लेता है, तो देखिए ये क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कि हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या परफॉर्मेंस है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट ऑफ फंड है हमारे पास में एक गिवन पीरियड में। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जाननी एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। और इन चीज़ों को जानने और फाइनेंशियल मैनेजर को इनके बारे में बताने के लिए ही ये डिफरेंट टूल्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट टूल्स यूटिलाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज की जाती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, तो हमने बोला प्रोजेक्शंस एंड एस्टीमेशंस। हम लोग ये एस्टीमेट करेंगे कि क्या फंड रिक्वायरमेंट है, कितना हमारे पास में रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास में क्या होता है, प्रोजेक्शंस एंड एस्टीमेशंस होते हैं। फिर हमने बोला बजटिंग। बजटिंग किस किस चीज़ की होती है, तो बजटिंग हर उन चीज़ों की हो सकती है जहाँ पे हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम किन चीज़ का बजट कर सकते हैं, रेवेन्यू, हम अपने टोटल रेवेन्यूज जितने आएंगे और जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं सबका इंडिविजुअली बजट कर सकते हैं। उनको बजट करने से क्या होगा, हमारे पास में एक एस्टीमेशन क्लियर होगा कि किस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, जिससे कि हमें फंड का रिक्वायरमेंट पता चल पाए। तो यही बोल रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हम दोनों तरह की प्लानिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं। देखिए बोलता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम लोग दोनों तरह की प्लानिंग करते हैं। कौन कौन सी प्लानिंग करते हैं, बोलता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस चीज़ की होगी, कि हम कितना ग्रो करना चाहते हैं, हम मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे पास में ग्रोथ का कितना अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और हमारे पास में कहाँ कहाँ हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कौन कौन से फिक्स असेट्स खरीदने हैं, कहाँ प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज लगानी है, कहाँ पे हम लोगों को टेक ओवर करना है, कहाँ पे मर्जर्स करने हैं, कब हमें कितना पैसा टेक ओवर के लिए चाहिए, कितना मर्जर्स के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आएंगी। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो क्या होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग बहुत स्पेसिफिक होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग को ही हम लोग बोलते हैं क्या, तो हम लोग बोलते हैं बेटा बजट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म प्लानिंग में वो है बजट, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है फोकास्टिंग। तो बेसिकली फोकास्टिंग करके ही हम लोग बजटिंग करते हैं, बजट बनाते हैं। तो
फाइनेंशियल प्लानिंग कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग दैट इज बेसिकली कंसर्न्ड एज बजट, जिसको कि हम लोग नॉर्मली बजट या एस्टीमेशंस बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई कि ग्रोथ कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, हम कौन सा एसेट खरीदने वाले हैं, कैसे उन एसेट्स को प्रोक्योर किया जाएगा, हम कौन सा प्लांट मशीनरी इन सब चीज़ों पर हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और जब हम लोग छोटे छोटे प्लान्स करते हैं, जब हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करते हैं, 3 से 5 साल के लिए या उससे भी कम टाइम के लिए करते हैं, 1 साल के अंदर तक के लिए करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हम लोग बजट बना रहे हैं। ठीक है, बजट के अंदर में जो एक्शन प्लान होता है वो हमारा 1 साल से कम के लिए होता है। ठीक है, या एटलीस्ट हम लोग एक फ्यूचर ईयर तक के लिए जब हम लोग काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बजट बना रहे हैं। बोलते हैं टिपिकली जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो 3 से 5 सालों तक के लिए की जाती है। ठीक है, 3 से 5 साल से आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की जाती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डन ओवर फॉर मोर देन 10 ईयर्स। ठीक है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट 10 साल से ऊपर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हैं तो जिसके कि कैपिटल कैश फ्लोज 10 साल के ऊपर आने थे तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन जब प्लानिंग की बात आती है तो प्लानिंग क्योंकि फ्यूचरिस्टिक होता है और आपके बहुत दिनों के आगे फ्यूचर के बारे में पता करना बहुत मुश्किल है, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई फाइनेंशियल प्लानिंग एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, जो कि हार्डली से हार्डली 5 साल से आगे के लिए नहीं किया जाता है, बिकॉज टाइम, मेथड, सर्कमस्टांसेस, बिजनेस इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, गवर्नमेंट रूल्स एंड बहुत सारे ऐसे लीगल सिस्टम हैं जो कि 5 साल या उतने पीरियड के बाद चेंज हो सकते हैं, जिनका बिजनेस पे ड्यू इफेक्ट पड़ेगा, जिसके बारे में आप आज पैरेंथेसिस नहीं कर सकते, आप आज हाइपोथेसिस उसका नहीं कर सकते, आप उसका प्रेडिक्शन आज नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई उससे ज़्यादा की फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी बहुत सुटेबल नहीं होती है। ठीक है, तो प्लान्स हार्डली 3 से 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, और ऐसे प्लान्स जो कि सिर्फ 1 ईयर या उससे कम के लिए ही बनाए जाते हैं, आगे फ्यूचर में 1 साल के लिए या उससे कम के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, उनमें से बजट जो है वो सबसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होती है वो बजट के थ्रू हम लोग करते हैं। तो बजट किन किन चीज़ों का बन सकता है? तो बजट बहुत सारी चीज़ों का बन सकता है। सेल्स बजट बन सकता है, प्रोडक्शन बजट बन सकता है, परफॉर्मेंस बजट बन सकता है, लेबर बजट बन सकता है। ठीक है, या कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जिस जो कि फाइनेंशियल नेचर का है उसका हम लोग फ्यूचर बजट बना सकते हैं। और फ्यूचर बजट हमेशा हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? वो हमेशा इस चीज में हेल्प करता है कि कितने फंड्स हमें रिक्वायर्ड हैं, कितना पैसा हमें चाहिए और फ्यूचर में कितना पैसा हमें चाहिए होगा। ठीक है, और फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी स्टार्ट होती है तो फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले किस चीज से स्टार्ट होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है सेल्स फोरकास्ट से। सबसे पहले हम लोग किस चीज का फोरकास्ट करते हैं? सेल्स फोरकास्ट। बिकॉज जब तक हमें, क्योंकि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब तक आपको रेवेन्यू का फोरकास्ट नहीं होगा, आप बाकी चीजें डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले आपने सेल फोरकास्ट किया, आपने पता चल गया आपको कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज बेच पाओगे। जब ये फोरकास्ट हो जाता है तो उसी के ऊपर बेस करके आप बाकी चीजों का फोरकास्ट कर पाओगे। समझो, जैसे कि आपने जब सेल फोरकास्ट किया तभी आप वर्किंग कैपिटल का भी फोरकास्ट कर पाओगे कि मुझे इतना सामान अगर बेचना है तो इतना सामान बनाना पड़ेगा, इतना सामान बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतने लेबर्स चाहिए, या इतनी सर्विसेज अगर मुझे बेचनी है तो इतनी सर्विसेज जनरेट करनी पड़ेंगी, इसके लिए मुझे इतने पर्सन चाहिए, इतने लोग चाहिए, इतना रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहीं भी फाइनेंशियल प्लानिंग में, और तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? जो 1 ईयर तक का प्लान होता है, बजट। और बजट में भी सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज अगर आपके पास में सेल्स फोरकास्ट नहीं होगा तो आप अपने बाकी फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। बिकॉज जब आपको पता होगा कि मुझे इतना बेचना है तभी आप पता कर पाएंगे कि मुझे कितना बनाना है और कितना खर्चा लगेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोगों को बाकी और इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट समझ में आएगा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप अंडरलाइन करते चलेंगे। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट समझ में आएगा कि कितना
पैसा फिक्स कैपिटल में लगेगा और कितना वर्किंग कैपिटल में लगेगा, एंड देन वनली हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज दैट कि देर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, दैट फंड शुड बी अवेलेबल एट दैट टाइम। नाइदर एक्सेस फंड नॉर लेस फंड इज अवेलेबल, एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ द फंड रिक्वायरमेंट विच इज डन थ्रू द हेल्प ऑफ बजट, जिसको कि हम बजट के थ्रू करते हैं। एंड फॉर दैट सेल्स फोरकास्ट इज द फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड, एंड दैट फोरकास्ट शुड बी ऑप्टिमल फोरकास्ट। वो फोरकास्ट बहुत बढ़िया और बहुत सही होना चाहिए, बिकॉज उसी को बेसिस रख करके आप बाकी फोरकास्ट करने वाले हैं अपने फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। ठीक है, फिर आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे हमारे पास में कितना फंड्स होगा, क्योंकि जब आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डेटा ले पाएंगे तो आपको प्रॉफिट का भी डेटा मिल पाएगा। ठीक है, जो आपको एंटिसिपेटेड प्रॉफिट का डेटा मिल पाएगा तो फिर आपको ये भी पता चल पाएगा कि भाई फ्यूचर में हमें कितना पैसा मिलना चाहिए, फ्यूचर में कितना पैसा रिक्वायर्ड है, और वो पैसा कितना हम अपने सोर्स से कलेक्ट कर पाएंगे और कितना हमें दूसरे सोर्स मतलब कि एक्सटर्नल फंड से कलेक्ट करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में पता चल पाएंगी इफ यू आर मेकिंग अ प्रॉपर फोरकास्ट, अगर आप प्रॉपर तरीके से फोरकास्ट कर पा रहे हैं। तो हमें ये फाइनेंशियल प्लानिंग में ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास में सारे फोरकास्ट प्रॉपर तरीके से हो, ताकि एस्टीमेशंस प्रॉपरली हो पाए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि कितना इंटरनल और कितना एक्सटर्नल फंड जनरेट करना है ये हम पता कर पाए। ठीक है, इसके लिए हम कैश बजट बना करके भी इन चीजों को पता कर सकते हैं। मीन्स क्या कि अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल इज बजटिंग। बजटिंग बहुत तरह का हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सेल्स फोरकास्ट, दैट इज कॉल्ड सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट, एक्सपेंसेस बजट, कैश बजट। ठीक है, बहुत तरीके का बजट है जो कि स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज प्लीज आप क्वेरी रेज कर सकते। तो हमारे पास में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं उनमें से पहला टूल है प्रोजेक्शन एंड एस्टीमेशन। प्रोजेक्शन और एस्टीमेशन का मतलब होता है बेटा कि हम किसी पार्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में फ्यूचर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इतना सेल होने वाला है, फ्यूचर में इतना प्रोडक्शन होने वाला है, फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होने वाला है। उसी को हम लोग प्रोजेक्शन एंड एस्टीमेशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं आगे फ्यूचर ईयर्स का। ठीक है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। पहला हो गया प्रोजेक्शन एंड एस्टीमेशन, ताकि हमें फ्यूचर के फंड्स के बारे में पता चल पाए, फ्यूचर पोजीशन पता चल पाए। सेकेंड हमारे पास में था फोरकास्टिंग, पहला था प्रोजेक्शन एंड एस्टीमेशन, सेकेंड था हमारे पास में बजटिंग। बजटिंग बजटिंग कहने का मतलब होता है कि एस्टीमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस हमें पता हो। ठीक है, कि कितना एक पार्टिकुलर टाइम में एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगेगा और कितना वहां से पैसा हमें मिलेगा। ठीक है, ये हो गया बजट। बजट बहुत तरीके का हो सकता है। ठीक है, सेल्स बजट हो गया, जहाँ पे हमें सेल्स फोरकास्ट पता चलेगा नंबर ऑफ यूनिट्स में भी और फिगर्स में भी। फिर प्रोडक्शन बजट नंबर ऑफ यूनिट्स में, फिगर्स में। उसके अलावा एक्सपेंसेस का बजट, प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास लेबर है उन लेबर कॉस्ट का बजट, इन सारी चीजों का बजट हमारे पास में होगा। तो इससे हमें फ्यूचर में जो भी हमारे पास में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको लेआउट करना आसान हो जाएगा। फिर हो गया फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है बेटा बहुत सारे जो बिजनेस रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उनकी भी फोरकास्टिंग करनी जरूरी होती है। जैसे हमारे बिजनेस रिलेशंस हो गए, हमारे जो इंडिविजुअल कंपटीटर्स हैं, कंपटीटर्स के साथ में कंपेरेटिव एनालिसिस हो गया, गवर्नमेंट के रूल्स हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, इनको भी हमेशा देखते रहना और इसके हिसाब से हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको भी फोरकास्ट करना हमारे लिए जरूरी होता है। एंड लास्ट हो गया हमारे पास में, एंड जो लास्ट पॉइंट हमारे पास में है वो है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि बेटा एक पार्टिकुलर पहले से किस हिसाब की चीजें चलती आ रही हैं, किस हिसाब का सेल एंड परचेजेस का एवेन्यू है और किस हिसाब से हमारे फ्यूचर में वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि पिछले साल बहुत कम सेल हुआ था, तो क्या उसका इफेक्ट अभी भी रहेगा या उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, इन चीजों को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है बिकॉज ये हमारे फ्यूचर एवेन्यूज के बारे में हमें बताता है कि किस हिसाब से काम करना है और किस हिसाब से काम नहीं करना है। चलिए, द नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, वो है इंपॉर्टेंस। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम लोगों को ये पॉइंट देखना है। ठीक है, आप सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे हमारे पास में केस स्टडीज आती हैं,
और केस स्टडीज में आपको इन चीजों को एक बार क्या करना पड़ता है कि लिखना पड़ता है, और इसके लिए आपको, अगर आपके पास में एनसीईआरटी के पॉइंट्स है जो कि मैं बार बार आपको बोले जा रहा हूँ, तो इज इज फार बेटर कि आप एनसीईआरटी के पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का ये है कि ये बिजनेस को अनसर्टेन सिचुएशन से निकालता है, और ये बिजनेस को हमेशा इस चीज के बारे में बताता है कि उसके पास में एक्शन प्लान तैयार है कि पैसा कितना चाहिए, कब चाहिए, और वो पैसा वो किस सोर्स से निकाल पाएगा, ठीक है। बिजनेस के पास में हमेशा एक लेआउट है, बिजनेस के पास में हमेशा एक वो चीज है, वो पूरा फ्रेमवर्क है कि उसको कितना, ऑलमोस्ट एक एस्टिमेटेड कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, और वो पैसा अगर उसको कहाँ से चाहिए होगा, ये सारा उस फाइनेंशियल मैनेजर के पास में पड़ा होता है, बिकॉज वो फ्यूचर के लिए पहले ही प्लानिंग करके रख लेता है। और प्लानिंग प्रॉपरली ऐसा नहीं होता है कि प्लानिंग सिर्फ वोकल होती है, प्लानिंग पूरी रिटेन होती है और उसका एक पूरा डिटेल्ड लेआउट उसके पास में होता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये हमारे हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग फोरकास्ट करने में कि हमारे पास में बिजनेस सिचुएशंस कैसा होगा, फ्यूचर में बिजनेस के साथ में क्या चीजें होने वाली हैं, बिजनेस को किस चीज की जरूरत है, कितने फंड की जरूरत है, और जो भी इस तरीके से बिजनेस फॉर्म को कोई सिचुएशन हैंडल करना होता है, तो उस सिचुएशन के लिए हम प्रॉपरली पहले से तैयार होते हैं, और हमें एक अच्छे तरीके से उस बिजनेस सिचुएशन को हैंडल करने में फाइनेंशियल प्लानिंग मदद करता है। हमें फाइनेंशियल स्कार्सिटी नहीं होती है, और हमें पता होता है कि एटलीस्ट इतना फंड अगर हमारे पास में अवेलेबल है और हमें चाहिए, तो हम कहां से उस फंड को इकट्ठा कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे हमारे पास में एक रास्ता बना होता है जिससे कि हम पैसा क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलता है कि अगर हमने प्रिडिक्ट कर रखा है ऑलरेडी कि हमारे पास में अगले आने वाले साल में जो सेल्स होगा वो 10% या 12% या 15% इंक्रीज करेगा, फॉर एग्जाम्पल 15% इंक्रीज करेगा, तो हमारे दिमाग में एक विजन होता है कि हाँ हमारे पास में क्या है कि एक प्रेडिक्शन है कि सेल्स इंक्रीज करेगा, तो उस इंक्रीज एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि सेल्स इंक्रीज करेगा तो बाकी चीजें भी इंक्रीज करेंगी उसके साथ में, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज करेगा, लेबर कॉस्ट इंक्रीज करेगा, तो उनको उस इंक्रीज को टैकल करने के लिए हमारे पास में पूरा एक प्लान तैयार होता है, ठीक है। और इन केस हमारे पास में क्या होता है कि हम जब प्रोजेक्शन करते हैं तो इंक्रीज का भी प्रोजेक्शन करते हैं और थोड़ा सा एडवर्स केस का भी प्रोजेक्शन करते हैं, तो दोनों ही प्रोजेक्शंस हमारे पास होते हैं कि अगर बढ़ा तो हम क्या करेंगे और अगर घटा तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे में बिजनेस सिचुएशंस को हैंडल करना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इजी होता है, बिकॉज सारे सिचुएशंस का ब्लूप्रिंट आप पहले से तैयार करके रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशन होता है आप उसको हैंडल करने के लिए रेडी होते हैं। तो फॉरकास्ट हमें एडवर्स बिजनेस सिचुएशन एंड फेवरेबल बिजनेस सिचुएशन, दोनों ही बिजनेस सिचुएशन में किस तरीके से आगे बढ़ना है इसको बताता है, इसको बताने में मदद करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि एडवर्स बिजनेस सिचुएशन को संभालने में ये हमारी मदद करता है। दूसरा पॉइंट हो गया कि हमें शॉक्स एंड सरप्राइजेस से बचाता है। दूसरा पॉइंट हो गया कि बिजनेस को अगर कोई बहुत एडवर्स सिचुएशन मिलेगा या कोई बहुत ही ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन मिलेगा तो उसको शॉक्स लग सकते हैं, फाइनेंशियल वो बिजनेस उस चीज को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इस चीज से बचाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हेल्प करता है, हम पहले से आने वाली सिचुएशंस के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जब हमारे पास में डिफरेंट बजट्स होते हैं तो हमारी सारी एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेटेड होती हैं और हमें कोऑर्डिनेशन की दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज पहले से हमने एक डिटेल्ड लेआउट, एक वर्कआउट तैयार कर लिया होता है जिसके हिसाब हम से हम आगे के काम को, आगे की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के हिसाब से सारा कुछ रेडी होता है हमारे पास में फ्यूचर वर्क ऑफ एक्शन के लिए। जब हमारे पास में फोर्थ पॉइंट बोलता है, जब हमारे पास में डिटेल प्लांट्स लेडी होते हैं, डिटेल प्लान होता है, तो हम अपने एक्शंस उसी के हिसाब से करते हैं और जिससे कि हम बार बार डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स से बचते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास में कोई काम का एक तरीका पहले से डिजाइंड है, डेवलप्ड है, तैयार है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं, हिट एंड ट्रायल में नहीं जाते हैं, इससे हमारा रिसोर्स भी वेस्ट नहीं होता है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, मनी भी वेस्ट नहीं होता है, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलने से श्योरिटी ऑफ एक्शन एंड श्योरिटी ऑफ रिजल्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट इज वेरी इजी, प्लानिंग इज अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम प्रेजेंट में काम कर रहे होते हैं और फ्यूचर को प्रॉपरली टैकल करने का हमारे पास में एक लिंक होता है।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स बोलता है कि भाई हमारे पास में फाइनेंशियल प्लानिंग अपने हमारे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजंस को कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है और उसके बीच में लिंक बनाते रहता है, बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं देन हमें फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होता है, और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में जो चीज़ है जो एक ब्रिज बनाती है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। बिकॉज जब हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया तो हमें अब ये चाहिए कि हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब हम लोग बजटिंग करते हैं, फोकास्टिंग करते हैं, ठीक है, जब हम लोग एंटिसिपेशंस करते हैं, तभी जा करके हमें पता चलता है कि हमें कितने फंड्स चाहिए और वो हमें फाइनेंसिंग डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने बताया है फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग, वो पॉइंट हम लोग देखते हैं। बोलते हैं कि जब हमारे पास में डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट के, तो हमारे पास में जब फाइनेंशियल प्लान रेडी होता है तो इवैल्यूएशन बहुत ईजी हो जाता है। आइए हम इस बात को समझते हैं कि ये क्या बात कह रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बोलता क्या है कि जब हमारे पास में प्लान रेडी होता है और हम लोग एक्चुअली वर्क करते हैं, तो इन केस दैट वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट, वी हैव अ बेंचमार्क फॉर इवेल्युएशन। और जब हमारे पास में इवेल्युएशन के लिए चीजें होती हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि लिटरली फिजिकली जो हमने काम किया है क्या वो काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी एक वर्कआउट प्लान स्ट्रक्चर रेडी है, तो हम लोग एक उससे कंपेरिजन करने के लिए हमारे पास में एक डेटा अवेलेबल होता है जिससे कि हम चेक कर पाएं और इवेल्युएट कर पाएं कि वर्क सही तरीके से हो रहा है या नहीं। दस इन ऑर्डर टू कंक्लूड द फाइनेंशियल प्लानिंग वी कैन से दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म बट इट इज अ मीडियम टर्म प्लान फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस सच दैट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस आर कोलेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स एंड दीस सेगमेंट्स आर वर्कड अपॉन एंड वर्कड अपॉन इन सच अ वे दैट अ रेडीमेड डिटेल्ड प्लान लेआउट फॉर एग्जीक्यूशन हैव बीन मेड एंड ऑल द वर्क्स आर एग्जीक्यूटेड एज पर द प्लान एंड प्रोसीजर्स एंड द एक्चुअल फिगर इज जस्ट कंपेयर्ड विद द प्लान एंड वी कैन गो ऑन फॉर द इवेल्युएशन दैट वेदर द वर्क हैज बीन डन प्रॉपरली और नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड फंड इज इन्वेस्टेड, द रिक्वायर्ड फॉर विच इज नीड टू बी इन्वेस्टेड एट द रिक्वायर्ड टाइम इज अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन एट द लीस्ट कॉस्ट, नाइदर एक्स्ट्रा फंड इज अवेलेबल नॉर लिस्ट फंड इज अवेलेबल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलवेज प्रोवाइड अ वर्क अपॉन एनालिसिस एंड द बजट एंड द डिफरेंट टूल्स विच आर यूज इन द फाइनेंशियल प्लानिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डू द वर्क ऑन अ पार्टिकुलर बेसिस एंड नॉट ऑन अ हिट एंड ट्रायल बेसिस। ठीक है, तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होने वाला है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा होने वाला है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल्ड लेआउट मिलेगा, एक काम करने का तरीका मिलेगा, और वो इधर उधर भटकने की जगह पे क्या करेगा, उस पार्टिकुलर फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से काम करेगा ताकि उसके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। होप सो आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट अराइज द क्वेरीज नाउ। हाँ जी बेटा, तो इस तरीके से हमने लास्ट तक देख लिया फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे। होप सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन डू राइट टू मी, और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं देन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एट योर होम। बाय बाय।